है hey गाइस मेरा नाम हैप्पी है और मैं मांगा टी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं ये एक ऑन गोइंग मांगा है जो अभी अभी न्यू रिलीज हुआ है इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो ही मैं इस मांगा को आगे कंटिन्यू रखूंगा तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें बताया जाता है बत्तीस साल पहले जजमेंट डे शुरू हुआ था जिसकी वजह ऐसी पूरी दुनिया आग और धुए में खो गई थी क्यूँकी व्हाइट क्रैक ऐसी कई सारे अलग अलग और खतरनाक मॉस्टर्स निकलने चालू हो गए थे जिनने केवल एक ही महीने में करोड़ों की आबादी वाले देशों को पूरी तरह ऐसी तबाह कर दिया था केवल कुछ लोग ही उसमें बच पाए थे जजमेंट डे के बाद पूरी दुनिया की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी जहाँ हमेशा इंसानों का शिकार किया करते थे वही हमारी आर्मी हम लोगों को बचाने के लिए लगी रहती थी पर हर एक अटैक के साथ व्हाइट से पहले से भी खूनकार और खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगे जिससे पूरी इंसानियत खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी थी पर तभी यूनिक एबिलिटी वाले कई सारे लोग धीरे धीरे कर कर आगे आना चालू हुए जिन लोगों ने हम इंसानों के लिए काउंटर अटैक किया इन एबिलिटीज को मेरिकल कहा जाता है पर इंसानों मौसर से लड़ने के लिए हंटर ग्रुप्स बनाए और अलग अलग ट्रेनिंग कर, कर लोगों को मौसर से लड़ने के लिए तैयार किया जिनकी प्रोटेक्शन की मदद से इंसानियत के लिए आखिरी जो घर हुआ उसे लॉस्ट सिटी कहा जाता है जहाँ पर हजार में से केवल एक इंसान ही रह सकता है अब हमें लॉस्ट सिटी के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यह अनाउंस हो रहा था की पाँच मिनट में एक न्यू गेम रिलीज होने वाला है इसलिए कंपनी के लोग अनाउंसमेंट कर, कर सब लोगों को ये बताते हैं की जो भी प्लेयर्स है वो वेटिंग रूम में जल्दी ऐसी जल्दी आ जाए फिर वही रोड पर साइड में चलता हुआ एक लड़का लिस्ट की तरफ देखते हुए सोचता है अनोन इस प्लेयर लिस्ट में क्या कर रहा है वो तो एक हंटर है फिर वो अपनी जिंदगी इस गेम के अंदर क्यों बिताना चाहता है फिर वहीं एक लड़की रुक कर कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो पर ये तो फर्स्ट राउंड के लिए ही आया है मुझे तो ये देख कर दूसरे प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है फिर वो लड़का उस लड़की से कहता है क्या तुम ये कहना चाहती हो की कि इसकी किसी भी सर्वर पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है फिर वो लड़की कहती है हाँ ये सच है चलो हमें भी जल्दी से जाकर लॉग इन कर लेना चाहिए तीन बिलियन प्लेयर्स में से रैंक फर्स्ट पर आने वाला प्लेयर उसके के बारे में किसी को भी नहीं पता उसने लॉस्ट सिटी में पांच हजार गेम से भी ज्यादा खेले हैं, पर वो एक गेम को भी कभी नहीं हारा पर फिर भी किसी को भी ये नहीं पता कि वो कैसा दिखता है उसकी हाइट कितनी है वो कौन से देश से आया है इसलिए सब उसे अननोन कहते हैं अब गेम को स्टार्ट होने में केवल दस सेकेंड बचे थे और काउंटडाउन स्टार्ट होता है टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन गेम स्टार्ट फिर सीन ताबा हुई लॉस्ट सिटी लंदन पर आ जाता है जहां पर हमें चार लोगों के स्क्वाड को दिखाया जाता है जो ऊपर टावर पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे जहां पीले कपड़े पहने हुए लड़का अपने साथियों से कहता है जैसा मैंने सोचा था ये जगह सच में बेस्ट है उसका दूसरा साथी कहता है जिसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी क्या हम लोग यहाँ पर बैठ कर केवल दूसरे लोगों को दूसरे प्लेयर्स को मारता हुआ ही देखेंगे हमें इसे जल्दी जाकर खत्म करके अपनी रेटिंग को बढ़ा लेना चाहिए जिससे हम किसी मेजर गिल्ड को ज्वाइन कर सके वही उस ग्रुप की लड़की टेलीस्को में कर कहती है लगता है यहाँ पर कोई आ रहा है उस ग्रुप का चौथा लड़का जिसके पास मशीन गन होती है वो उन लोगों से कहता है क्या वो मेज है या कोई टैंक तुम्हें क्या लगता है आखिर वो कौन होगा अच्छा है हम लोग म्यूजियम नहीं गए वरना हम लोगों को ये फ्री पॉइंट्स नहीं मिल पाते फिर वो व्हाइट शर्ट वाला लड़का कहता है मैंने तुमसे कई बार कहा है कि ये जगह हॉट स्पॉट है पर वो लड़की उन्होंने चुप होने का बोलती है और सामने की तरफ देखती है जहाँ पर एक लड़का हुडी पहनकर उन्हीं की तरफ चलता आ रहा था और वो लड़की उसे देख बहुत हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि ये तो अननोन है अननोन का सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और वो मशीन गन वाला लड़का कहता है मैंने तो पहले ही कहा था हमें चला जाना चाहिए अब देखो हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले है वो व्हाइट शर्ट वाला लड़का कहता है अपनी बकवास करना बंद करो और शांत रहो हम लोग इस फाइट को जीत सकते हैं हमें ये फाइट करनी ही होगी जल्दी जाकर सभी लोग अपनी अपनी साइड कवर करना चालू करो वो लड़की एक मेज थी और वो कहती है ठीक है उसे मेरे पास आने दो मैं अपनी बिजली से भून डालूंगी वो केवल एक है और हम चार अगर हम लोग उसे हरा देते हैं तो उसका फेम हमें मिल जाएगा और इससे हम लोग बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। इसलिए डरना बंद करो वो पीले कपड़ों वाला लड़का कहता है ठीक है और वो अपनी स्नाइपर को रेडी कर, कर उन लोगों से घबराते हुए कहता है चलो अनु उनको हराते हैं फिर वो उस पर शूट कर देता है वो मशीन गन वाला लड़का उस पर शूट करना चालू कर देता है और वो मेज उस पर अपनी बिजली गिरा देती है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उन लोगों को ऐसा लगता है की जैसे वो मर गया वो लोग रेगुलर उस पर कई सारे अटैक करते हैं और हमें सामने की तरफ दिखाते है की अनोन अपने पास से एक नाइफ निकालता है जिससे वो उन लोगों की बुलेट्स को बीच में से काट देता है और फिर अचानक वहाँ से गायब हो जाता है वो चारों ही ये देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो ये कहते हैं कि आखिर वो कहाँ चला गया पर तभी उस वाइट शर्ट वाले का गला कट गया था और फिर अनोन उस मशीन गन वाले की मशीन गन को काट देता है और उसके साथ उसे भी मार देता है जिसके बाद वो जाकर उस लड़की को मारता है और वो पीले वाले वाला लड़का ऊपर से देखते हुए सोचता है आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं पर तभी एक बहुत लंबी जम्प करता है और उस लड़के के सामने आ जाता है वो लड़का बहुत ज्यादा तो गुस्से में होता है और वो उसे गाली देते हुए कहता है कमी चलो आ जाओ मैं तुम्हें मार डालूंगा पर अगले ही सीन में उसका भी वही हाल होता है जो उसके साथियों का हुआ था और फिर हमें ये बताया जाता है अब केवल सेवन हंड्रेड नाइन्टी टू प्लेयर्स ही बाकी रह गए है और वो सभी सेफ जोन की तरफ जाने वाले हैं जो तीन मिनट बाद मैप पर मार्क होने वाला है फिर हमें सेफ जोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे प्लेयर एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे जहाँ वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे और उन्हीं ऊपर एक व्हाइट क्रैक बनाया गया था जिसमे से एक बहुत बड़ा मेंटिस जैसा मोस्टर निकल कर आता है जो निकल कर आते ही एक प्लेयर पर अपना पंजा रख देता है जिससे वो तुरंत ही कुचला जाता है सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर वहाँ से जान बचाने के लिए भाग लगते हैं फिर वर्ड में से उसी की जैसे एक और मोहर आ जाता है और फिर एक प्लेयर की आवाज़ आती है अगर तुम यही पर खड़े रहकर और वेट करोगे तो मैं तुम्हें खाना खाने लायक नहीं छोड़ूंगा और उसकी पार्टनर एक मेज लड़की होती है जिसका नाम जुन है वो जुन से पूछता है क्या तुम रेडी हो जुन कहती है हाँ वैसे भी तुम्हें उसे मारने जाना है वो आदमी कहता है तुम क्या बात कर रही हो चलो ना मिलकर हम दोनों ही इन्हें मारते हैं जुन उससे कहती है ये एक अच्छा मजाक था तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर एक हंटर हो और मैं यहाँ पर तुम्हारा केवल सपोर्ट करने के लिए आई हूँ तो वो आदमी उससे कहता है ठीक है पर मुझे सपोर्ट करने के लिए एक शील्ड की जरूरत है इसलिए जुन उसके ऊपर एक शील्ड बना देती है और वो जंप कर कर ऊपर की तरफ कूदता है और वो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करने वाला होता है पर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो आदमी जमीन पर आकर बैठ जाता है को ऐसा लगता है की उसने उस मोस्टर को मार दिया इसलिए वो जल्दी से उस आदमी के पास जाती है और उससे कहती है मुझे लगता है हम दोनों की टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी है पर वो आदमी जुन को कोई भी रिप्लाई नहीं देता पर जुन अपने आप में ही बड़े बढ़ाती रहती है पर तभी वो नोटिस करती है कि उस आदमी की चेस्ट पर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है जिससे उसकी मौत थोड़ी देर पहले हो चुकी है ये देख कर जून सोचती है आखिर ये कैसे हो सकता है मेरी शील्ड आखिर ऐसे कैसे टूट गई आखिर ये कौन है जिसने ऐसा कर दिया पर तभी दूर की एक बिल्डिंग से एक बुलेट शूट होती है जिसे जून फील करके अपनी शील्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता और वो स्नाइपर वहाँ पर लेटा हुआ कहता है मैंने दो लोगों को मार गिराया यहाँ वो प्लेयर हंटर्स आई नाम की कीबिलिटी को इस्तेमाल माल कर रहा था और वो कहता है मैं यहाँ से थर्टी फाइव प्लेयर्स को मार चुका हूँ पर तभी वो वहाँ एक और प्लेयर को नोटिस करता है जिसे देख कर वो ये समझ जाता है की ये प्लेयर अनबीटेबल अन है उसे देख कर वो थोड़ी देर के लिए घबरा गया था पर वो ही सोचता है मेरी इसलिए टेस्ट स्नाइपर राइफल और मेरी हंटर्स आई के साथ मैं दो किलोमीटर दूर के भी टारगेट को तबाह कर सकता हूँ भले ही ये नंबर वन रैंकर क्यों ना हो पर एक छोटी सी मिस्टेक सब कुछ खत्म कर सकती है जो बोलकर स्नाइपर अपनी बुलेट को शूट कर देता है पर जैसे ही वो बुलेट अन के पास पहुंचती है वो अपनी जेब से अपनी नाइफ को निकाल कर उस बुलेट के दो टुकड़े कर देता है स्नाइपर यह देख कर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो ये कहता है आखिर मैं इसे मिस कैसे कर सकता हूँ क्यूँकी अनोन का ये रिएक्शन इतना ज्यादा फास्ट था की वो स्नाइपर इस भी इसे नहीं देख पाया फिर अनोन ऊपर की तरफ देखता है और अपनी नाइफ को घुमाते हुए उस स्नाइपर के ऊपर फेंक देता है वो स्नाइपर स्कोप में देखकर सोचता है आखिर ये क्या मजाक है क्या वो मुझे यहाँ तक मार सकता है और तभी वो नाइफ उड़ते हुए उसके पास आ जाती है और उसकी राइफल के साथ उसे भी मार देती है। फिर अनाउंसमेंट होता है कि इस गेम को जीतने वाला अननोन है क्योंकि अननोन ने यहाँ पर 98 एट को मार दिया था जिसे ये चिकन डिनर भेजा जा रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसे एंजॉय करेंगे और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है